हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताऊंगी। डेप्रिसिएशन को फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट कहा जाता है। एसेट तो वो चीज़ होता है जो हमारे किसी काम की हो। फिक्स्ड एसेट वो एसेट होता है जो फिक्स्ड हो। फिक्स्ड का मतलब है कि उसका बेनिफिट हमें ज़्यादा समय के लिए मिलेगा, जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, प्लांट है, लैंड है, ये सब हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। चाहे हमारी सेल्स हो चाहे ना हो, फिक्स्ड एसेट्स हमेशा हमारे बिजनेस में रहते हैं, इन्वेस्ट किए हुए होते हैं। तो फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू होती है उसमें जो कमी आती है समय के साथ साथ, उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। जैसे मशीन, अगर हमने बिजनेस के लिए एक मशीन खरीदी है तो वो ज़िंदगी भर तो नहीं चलेगी, 100-200 साल तो नहीं चलेगी। उसका एक लाइफ स्पैन होगा, हो सकता है 10 साल हो, 15 साल हो या फिर 20 साल हो, ऐसा कुछ लाइफ स्पैन होगा। उसके बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और वो मशीन जो है वो आउटडेटेड भी हो जाएगी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई प्रकार की मशीन आएगी। तो मशीन की जो वैल्यू है उसे हम डेप्रिसिएशन के रूप में हर साल थोड़ा थोड़ा घटाते रहते हैं और उसे एक खर्चे का नाम देके, डेप्रिसिएशन को एक खर्चा कहा जाता है, तो खर्चे का नाम देके हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होती है उसमें से जब खर्चा माइनस करते हैं, ऐसे ही हम डेप्रिसिएशन भी माइनस करते जाते हैं। डेप्रिसिएशन को एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर कहा जाता है, मतलब एक्चुअल में हमारे कैश का कोई आउटफ्लो नहीं होता। अगर हमने खर्चे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिखा है 5,000, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 5,000 रुपीज़ हमारा बिजनेस से बाहर गया। वो बिजनेस में ही है, हम 5,000 रुपीज़ क्या है अलग से रख लेते हैं, एक रिज़र्व बना के, प्रोविजन बना के, कि बाद में जब वो मशीन की वैल्यू ख़त्म होगी, जब हमें उस मशीन को रिप्लेस करना होगा, तो हम यहाँ से पैसा ले सके जो हमने प्रोविजन बनाया होगा वहाँ से। तो ये है डेप्रिसिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट। डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं कैलकुलेट करने के। उसमें सबसे फेमस मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जो मैं आगे वीडियोस में बताऊंगी। थैंक यू।